का ख्याल रखिए कि जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको एडवाइज करें। इससे मैं क्योंकि इससे ज्यादा कोई बड़ी अथॉरिटी रहता है, खुद यहाँ आए साहब को भी रिक्वेस्ट किया कि जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि वहाँ पे SOPs पे लोग जान नहीं देते हैं और आप लोग वैक्सीनेशन लगाएंगे, मुझे लगता है उतना ही इन केसेस में कमी आ जाएगी और हमारे रिस्क मार नहीं होगा, क्योंकि अक्सर बेस्तर चुस्वासन बोजान पे ऐसे रिस्क मार गर्शन पे। हालांकि हमारी गवर्नमेंट ये चाहती नहीं है कि लॉकडाउन हो जाए ज्यादा, लॉकडाउन किसी चीज का हल नहीं है। अगर हमने यहाँ से कमाना भी है, हमारे घर के जो 10 बंदे हैं उनके लिए कमाना भी है, खाना भी है, आगे भी बढ़ना है और उसके साथ साथ ये जो वबा आया है, ये जो पैनिक में इसके साथ लड़ना भी है हमें। आज हमने ये जरूरी समझा कि आप लोगों को यहाँ बुलाए, कहते हैं डेल्टा के लिए है, उसके लिए हर एक वेरिएंट के लिए चाहे ओमिक्रॉन भी हो उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीरियसनेस अमी डायरेक्टर फाइनिशन पान तो दोस्त वेरी स्पेसिफिक इंटेंशन कि बह वन पान सकते तुम्हु मेन स्टेक होल्डर अच्छे ट्रांसपोर्टेशन श्रीनगर कश्मीर मे चलान ट्रांसपोर्टेशन तेल पॉसिबल लुकन हूँ ये तुम्हु अ ब्रो ब्रो ये सात तुम्हु मेन स्टेक होल्डर तो तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वाले कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यूत तुम इम्प्लीमेंट करो तो प्रॉब्लम वनकस अच्छी तेल कमी हर किसी के पास आप आज शाम को हर किसी के साथ बात करेंगे तिमन वन जब रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्स RTO सबन तो वो तुम कि यहाँ कह चीज तुथ कर तुंद खतर बस कि थोड़ा सा हार्श। आज हमने एक प्रोग्राम रखा था ट्रांसपोर्टर्स के साथ जिसमें डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्टर जो यूनियंस है वो भी आए थे, RTO साहब आए थे, SSP साहब ट्रैफिक आए थे, तो हमने इनको यही कहना था कि SOPs का पालन किया जाए। हमने देखा कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इसमें थोड़ी सी हमारी अभी कमी है, तो इनको इसलिए बुलाया कि ये कितना ज़रूरी है। जितना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो भी लोग हैं, जो भी सवारी है, उसको मास्क रखना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंस रखना, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, उससे भी फैल सकता है। हमने बहुत ही ध्यान रखना है, ये लग रहा है कि मास्क कुछ नहीं है या ये बहुत इफेक्ट होता है इसका, वो SOPs हम पालन करें। बाकी गवर्नमेंट रेडी है, हमारे पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं, बेड्स की किल्लत नहीं, कोई मेडिसिन की किल्लत नहीं, हर कोई चीज़ गवर्नमेंट के पास है। हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में OPD भी खुले हैं, नॉन कोविड और कोविड काम दोनों चल रहा है और सर्जरीज भी हो रही है, माइनर मेजर भी हो रही है। मैं कश्मीर ट्रांसपोर्टर की वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें ऐसी मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग लोगों को बचाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, पैसेंजर को कैसे करना है, ड्राइवर कंडक्टर को समझाने के लिए, SOPs हमको फॉलो करने हैं, उसमें मास्क देना है या जो भी इन्हें इधर बोला, मेरे ख्याल में ऐसी मीटिंग होनी चाहिए क्योंकि इस वक्त जो कोविड फैलता जा रहा है इससे इसमें बहुत रोकथाम होगी।